ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी, नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ, हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर ढोलक पर ढोलक पर। थिरकते पाँव जब बिन घुंघरू के तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से। ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की, कहती सबसे एक ही बात, आवो आवो सा पधारो सा, घने मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घने मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, राइजिंग सिटी स्टार प्रोग्राम जो हमारा राइजिंग सिटी नाम से पूरे विश्व में मशहूर हो चुका है, जिसमें हमारे राइजिंग स्टार आते हैं, उन सब के व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साथ ही शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कि आज व्यूअर्स के जो फीडबैक हमें प्राप्त हो रहे हैं देश और विदेश से, वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये हौसला इसलिए कि हमारे इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम के जो राइजिंग स्टार हैं उनका पैशन एक साधना बन चुका है और वो साधना एक मुकाम तक पहुंच चुकी है। और इस मुकाम के कारण ही, इस साधना के कारण ही, इस पैशन के कारण ही हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम को जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, वो प्यार और मोहब्बत हमारा भी हौसला बढ़ा रहा है। आज के राइजिंग सिटी प्रोग्राम में जो हमारे राइजिंग स्टार लेखक हैं, उनके बारे में हम यही कहेंगे कि उन्होंने शब्दों का एक नया कारवां बसा दिया, एक नई दुनिया बसा दी है। वैसे तो उनका अनुभव एक बहुत लंबा है शब्दों की दुनिया में, बहुत बड़े बड़े देश के ख्यातनाम पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया और एक बहुत बेहतरीन काम किया। और उसके बाद लगातार वो रंगमंच रेडियो नाटकों की दुनिया से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद उनका रुझान लेखन की तरफ हो गया है। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा दायित्व उनके ऊपर है, केन ऑयल एंड गैस कंपनी के वो जनरल मैनेजर हैं और आज पूरे स्टेट का उनके ऊपर दायित्व है। उसके बावजूद भी वो इन एक्टिविटीज़ को अपनी इस शिद्दत के साथ, साधना को उसी तवज्जो के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथ आज हमारे स्टार राइजिंग राइटर श्री अयोध्या प्रसाद जी गॉड हमारे साथ हैं। गॉड साहब, आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत 24 न्यूज चैनल की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और खास तौर से आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ में आऊं और अपनी कुछ बातें शेयर करूं। आपकी योग्यता एक चुंबक की तरह है, ये आपका स्नेह है प्रमोद जी। सबसे पहले जो एक सवाल है वो तो आपका बचपन, और वो मेरे ख्याल से जोधपुर ही है, या आपका परिवार शुरू से जोधपुर है, या कहीं से आके जोधपुर में बसे आपके पूर्वज? जी नहीं, मैं जोधपुर का जन्मा जाया तो हूँ ही, मेरे दादा परदादा जी वो भी जो जोधपुर की जो पुराना शहर है जी, जो जी, किली खाने के आसपास का इलाका है, और अच्छा मोला है, ठेठ जोधपुरी कल्चर, मैं तो बिल्कुल देसी जोधपुरी। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। एक प्रश्न जो शुरू से मेरे दिमाग में कौनता है कि आपने इतना पत्रकारिता में बहुत लंबा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया और देश के सभी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में काम किया, उसके बाद आपका रंगमंच की दुनिया से, रेडियो नाटकों की दुनिया से इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद अचानक लेखन की तरफ झुकाओ? अब प्रमोद जी, बहुत मतलब दिल के नजदीक एक जो सवाल जो मैं खुद से भी कभी कभी बात करते हुए पूछा करता था कि ये कैसे हुआ, से जवाब मिलते हैं खुद से जब बातें होती है तो ये सवाल आता है कि लेकिन अगर मैं
कहते हैं ना बैल्कनी व्यू लूं, अगर मैं वापस अपनी जो अब तक की यात्रा है उसको देखूं, तो मुझे लगता है जैसा हम सनातन धर्म में हमें एक चीज कहा भी करते हैं कि जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण छुपे होते हैं। जिस समय वो हो रहा हो उस समय हम समझ नहीं पाते कि ये यात्रा हमें किस तरफ लेके जाने की तरफ हो रही है। तो मैं अगर बिल्कुल बचपन से याद करूं तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मतलब कई फिल्मी कहानियां जो होती है कि भूत के पग पालने या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ चमत्कारिक नहीं, नहीं, फिर भी टैलेंट एक खुद के अंदर भी बोलता है, परिवेश में भी बोलता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में चौपासनी स्कूल जो जोधपुर की एक बड़ी जानी मानी स्कूल है और उसके हॉस्टल में मैं जब 8th कक्षा में मुझे अपने मेरे परिवारजनों ने यह तय किया कि भले ही तुम जोधपुर में रहते हो लेकिन हॉस्टल की लाइफ क्या होती है उसको अनुभव करो, तो मुझे उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। और वहां हमारे उस समय प्रिंसिपल रणवीर सिंह जी हुआ करते थे, और ये वो समय था जबकि टीवी की जो हमारी दोस्ती है वो उतनी नहीं थी, स्क्रीन के साथ जो हमारा समय है वो नहीं के बराबर था, नहीं के बराबर था। मतलब एक मोहल्ले में 2 या 3 टीवी होते थे और हम सब जाके और उसके सामने शटर वाले टीवी के सामने अपना समय बिताना ये होता था। तो हॉस्टल के अंदर भी एक टीवी हमारा था लेकिन वो समाचार देखने के और जो गुरुवार रविवार की फिल्म होती है चित्रार होता है, ये 5 हाँ, वो एक अधिकार पूर्वक नहीं होता कि हमको तो टीवी जब चाहे जब वो चाहे। हाँ वो वहां पर हमारे को होता था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक चीज कही कि आपको डायरी जरूर लिखनी है। तो शुरुआती कदम जो थे लिखने लिखे हुए शब्दों के साथ दोस्ती वो अंकुरण वहां से हुआ, वो हमारी स्कूल के जो 8th कक्षा के वो जो प्रिंसिपल साहब है उनको क्रेडिट जाता है। धीरे धीरे ये प्रगति, ये आप इवॉल्व होना जिसे बोलते हैं, वो कैसे होता है कि आप एक दिन डायरी लिखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा। जैसे कि मैं लिखा करता था आज मैंने हॉस्टल के खाने में ये अच्छा बना या अच्छा नहीं बना, ऐसे ही शुरुआत या ऐसे छोटी छोटी चीजें जो याद आती डायरी में क्या लिखो। फिर धीरे धीरे आप जब मैच्योर होने शुरू, मैच्योर का मतलब जब आपके पास चीजें आपको लगने लगता है, आपको लगता है कि कुछ नया लिखा जाए, तब जो क्रिएटिव राइटिंग के जो पहले स्टेप्स हैं वो आप खुद सीखना शुरू कर देते हैं। तो वहां से मेरी एक शुरुआत हुई। गौर साहब, जैसे आपने इतना बड़ा अनुभव तो था ही और आपका रुझान अचानक लेखन की तरफ, और लेखन में भी उपन्यास विधा जो बहुत बाद में, बहुत मैच्योरिटी के बाद में आती है, और उसमें भी आपने साहित्य को वो चीज दे दी है कि द रॉयल ब्लू, मेरे ख्याल से ये आपका पहला जो है जी वो बायोग्राफिकल नॉवेल है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉवेल लिखना और बायोग्राफिकल नॉवेल लिखना, ये अचानक कैसे हुआ? अब प्रमोद जी, इसके पीछे एक कहानी है, मैं जिसको कोशिश करूंगा कि मैं बड़े मतलब थोड़ा तेजी से निपटा पाऊं। ऐसा कहीं दिमाग में विचार था नहीं कि लेखन, और वो भी जैसा आपने कहा कि उपन्यास लेखन की तरफ बढ़ा जाए। ये बात 2013 की है जब ऑल इंडिया जो एन आपका मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, एम्स जो आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईएम अहमदाबाद के अंदर एक ट्रेनिंग थी, उसके एक पीरियड के अंदर हमारे एक प्रोफेसर साहब आए, और प्रोफेसर साहब ने बड़े, एक उसकी लंबी कहानी है, उन्होंने कुल मिला के हमारे को झिंझोड़ कर जगाया कि उन्होंने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 30-35-40 साल गुजार लिए हैं, लेकिन शांत बैठकर सोचिए आप कि क्या आप अपने परिवारजनों के, अपने ऑफिसर्स, अपने समाज, अपने देश सबका ध्यान, क्योंकि हम जब काम करते हैं कभी परिवार की भलाई के लिए करते हैं, कभी अपने दोस्त, इन सब का ध्यान रखते हुए आपने क्या खुद के बारे में कभी सोचा कि आपको क्या चीज इच्छा है करने की? क्योंकि हम बहाना बनाते हैं, भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़ा उलझा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा इन सब बहानों को पीछे छोड़ते हुए क्या आपने कभी वो लिस्ट बनाई है उन चीजों की जो आप करना चाहते हैं, भले बूढ़े होने तक करना चाहें? तो उन्होंने हमें उस क्लासरूम में बैठा के अचानक झंझोड़ दिया, उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट टर्म जो 2 साल में करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो मिड टर्म जो 5 साल में करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 60 साल का, भैया मैं बूढ़ा होने से पहले या मरने से पहले ये करना चाहता हूँ। तो मैं पूरी लिस्ट तो आपसे साझा बाद में करेंगे कभी, लेकिन बॉडी माइंड सोल के लेवल पे उन्होंने मुझे टारगेट देने लिखने को कहा कि खुद के लिए अपने टारगेट, यानी उन्होंने एक पीरियड भी दे दिया, पीरियड लिखना भी है और लिखने का उन्होंने नहीं कहा। वो उस तरफ बढ़िए, लेकिन अपने आप को कितनी जल्दी कर सकते हो, कैसे कर सकते? तो उन्होंने कहा कि आंख बंद करो और सोचो कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद थी, क्या बात है। और जब मैंने आंख बंद की तो मुझे डायरी याद आई कि मैं जब छोटा था और मैं डायरी लिखता था तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता था। मैं डायरी की, मेरे हर साल की एक
रफ वो मोटी कॉपी जो होती है ना, जो अपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, बहुत पहले किया, बहुत पहले किया और छोड़ दिया बाद में। क्यों छोड़ा? कि साहब समय नहीं है। तो मैंने अपने उन प्रोफेसर साहब के सामने बैठ के बॉडी माइंड सोल के अंदर जो होता है, तो मैंने सोल का कि मेरे दिल से जुड़ी हुई जो चीज है, तो मैंने लिखा जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो एक पुस्तक लिखूंगा, एक पुस्तक। मैंने कहा मरने से पहले एक इच्छा है कि एक किताब लिखी जाए, फिर चमत्कार होने शुरू होते हैं। जैसे एक कहा गया ना कि आप कोई चीज दिल से करते हो ले, तो पूरी कायनात टूट जाती है। और ये सही भी है, हकीकत ये सही भी है। फिर इतने सारे घटनाक्रम होने शुरू हुए, मेरे दिमाग में ये नहीं था, जैसा कि आपने ये वाली पुस्तक आपने बताई, तो ये कृष्णा कुमार जी मेरे ख्याल से ये पहली पुस्तक है। हाँ, तो इसका जब मेरे दिमाग में जो अपन कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर मेरे दिमाग में नहीं थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती रही कि मुझे लगा कि देयर इज अ डिवाइन पावर, एक ऐसी देवीय शक्ति है जो चाहती है कि मैं इस टॉपिक पे लिखूं। और उसके बाद में मेरे हाथ में, जैसा आप कह रहे हैं कि उपन्यास लिखना क्यों टेढ़ी खीर होती है, कि आपका प्लॉट बड़ा होता है जी, कैनवास लंबा चौड़ा होता है, आपके सामने चुनौती ये होती है कि आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को पहले से थोड़ा सा वेल डिफाइंड रखें अपने दिमाग में, जो बीच के घटनाक्रम है वो आपकी क्लैरिटी हो, पात्रों का चयन आप सावधानी से करें, क्योंकि अगर आपने एक पात्र बीच में कुछ किया वो गायब हो गया तो लोग सोचेंगे कि आया था कहाँ चला गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हो सकता है कहानी के अंदर चुनौती, कहानी की भी अपनी चुनौतियां, हर विधा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उपन्यास लोग कई बार क्यों कठिन मानते हैं, क्योंकि पहली बात तो रिसर्च, फिर आपका जो डंप ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट, वो अपने आप में टेढ़ी खीर होती है। लेकिन मैं खुद को नहीं, माँ चामुंडा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये करवा लिया मुझसे। अयोध्या प्रसाद जी, आपने ये बायोग्राफिकल चुना और इसमें उपन्यास की जो चुनौतियां तो होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्लॉट और कैरेक्टर और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये उससे भी डबल चुनौती मैं मानता हूँ, हालांकि आप गॉड फीलिंग है, आपने डेडिकेशन करके काम किया, तो चूंकि ये राजमाता कृष्णा कुमारी पे था और वो बहुत अद्भुत और विराट व्यक्तित्व की धनी है, और मेरे ख्याल से उनके इसी बायोग्राफिकल पे एक बॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखी भी है, लेकिन आपने एक इसको बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है, तो कैसे आपने इसका सारा तैयारी की, उनसे मुलाकात या ये जो पूरी यात्रा है? प्रमोद जी, काफ़ी जैसा बता, लगभग 4 साल के आसपास का ये अंतराल रहा, जब पहली बार जब बाड़मेर में जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर हमारे एक मित्र मिलने आए, और उन्होंने जैसे होता ना, जैसे मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ लिखिए, तो जैसा अपन आपस में करते हैं, हाँ हाँ लिखेंगे, कभी मैंने सोचा है 60 साल का होने तक मैं एक पुस्तक लिखूंगा, तो मेरे को बोलते अभी बताओ मुझे कि क्या लिखोगे, तो मैंने कहा यार बाद में सोचेंगे, तो वो इंसिस्ट करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ये भी एक्सरसाइज कुछ काम की हो। तो मैंने कहा मैं अभी पत्रकारिता जीवन के दौरान जिन जिन लोगों से मिला उसमें राजमाता कृष्णा कुमारी मुझे क्यों अपील करती हैं, एज ए मतलब उनका जो कैरेक्टर या जो हम उनका एक पूरा जीवन यात्रा देखें तब तक की, जी, जी। तो ये मेरे लिए खास इसलिए भी थी क्योंकि इन्होंने 3 ईरा देख रखे थे, राजशाही जो संपूर्ण रूप से थी वो उमेद सिंह जी जो इनके ससुर साहब थे उनके समय में इन्होंने देखी, जब इनका जन्म हुआ तो धारंगधरा के जो रियासत है वो पूरा का पूरा आपका देसी रियासतों में जो बहुत, हाँ गुजरात की जो है, तो वहां इन्होंने वो देखा जी। फिर बाद में एक फेज ऐसा था जब अपन 1920 के बाद की बात करें आजादी तक, ये ट्रांजिशन फेज था, जब राजशाही के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही थी जी। जब कांग्रेस या जो दूसरे जो क्षेत्रीय जो भी प्रजा मंडल हुए या जितने भी उन लोगों की तरफ से एक चुनौतियां आती जा रही थी, जिसमें इनको प्रूव करना था कि क्या ये लोग सही हैं जी, या क्या लोग जो इनके ऊपर आरोप लगाए जाते रह रहे हैं। तो सेकंड फेज भी, दूसरा इरा भी इन्होंने जिया है, और तीसरा इरा जब हम विशुद्ध लोकतंत्र में आ गए, जहां पर कि हम कहा करते हैं कि राज परिवार बैकग्राउंड में चले जाने चाहिए थे, जोधपुर में या मारवाड़ में ऐसा नहीं हुआ। तो ये 3 इरा देखने वाला एक व्यक्ति, तो हमारा ये सौभाग्य था उस समय, अब तो वो देवलोक गमन हो गया उनका, लेकिन जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा ये अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, ये एक जीता जागता ग्रंथ है, तो मैंने इससे बेहतरीन तो कैरेक्टर नहीं मिल सकता। हाँ, कैरेक्टर हमारे को मारवाड़ में नहीं मिलता, लीजेंड। तो मैंने एक ईमेल और उसके जरिए महाराजा जो परिवार के जो गसिंह जी हैं उनको मैसेज किया, और संयोग देखिए कि वहां से बहुत सकारात्मक जवाब आया। महेंद्र सिंह नगर
साहब जो हुआ करते थे, और पत्रकारिता आप, क्योंकि खुद पत्रकारिता से आपका इतना जुड़ाव रहा है और आपको पता है वो कितना जुड़े हुए थे हम सभी से। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह नगर जी ने जब जब मैं जोधपुर आता था, मेरा और उनका एक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बिना उनसे समय लिए भी मैं कभी भी उनके यहाँ घर, उनके ऑफिस, और नगर साहब उनका व्यक्तिगत काम भी देखते थे। हाँ, काम भी देखते थे। और नगर बना ने मेरे को एक बात बहुत कही, अच्छी कही थी कि राजमाता कृष्णा कुमारी जी कई बार मजाक मजाक में कहते थे कि तुम मेरा असली बेटा है, मैं तेरे को बेटे की तरह मानती हूँ। तो उनका इतना लगाव था, तो क्वेश्चनेयर कृष्णा कुमारी जी जो राजमाता जी हैं उनके, उनको भेजे गए, वहां से बातचीत के जरिए, उनसे जो लिखित आता था उसके जरिए, और उन्होंने हमें कुछ कुछ गाइड किया कि आप कहाँ से लोगों से मिल सकते हो, कहाँ पुस्तकें हैं, कुछ संदर्भ ग्रंथ मौजूद हैं। आपकी व्यक्तिगत मुलाकात भी होती थी? मुलाकात, और वो बड़ी सहजता से अपनी बातें बता दी। नहीं, हाँ, सहजता से, उनकी उनकी सहजता बिल्कुल ही अलग लेवल की थी। वो खुली हुई भी थी, उनमें एक अपनत्व भी था, एक अधिकार भी था, वो भी था। वो मेरा भी सौभाग्य काफी मिला, बड़ी सरल, और एक मातृत्व जो हमेशा उंडेलती थी, वो उनकी खासियत। और मैं ये मानना उचित समझूंगा कि क्योंकि मैं एक नया नवेला लेखक था, क्योंकि मेरे खुद को भी, मुझे ये था कि अगर कुछ होना है। मुझे अभी भी याद है कि जयपुर के एक होटल में मैं, उन दिनों एक ऐसी चीज थी, मैं जब ये पुस्तक रिलीज हुई तब मैंने कहा था कि ये माँ जिस तरीके से गर्भ धारण करती है और प्रसव पीड़ा झेलकर और जन्म देती है, पुस्तक का प्रकाशित होना ये लगभग उसके बराबर की चीज। बिल्कुल सही उपमा आपने। हाँ, और मेंटली आपको वो जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्रसव पीड़ा क्या है कि आपको पता नहीं है कि जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो किस प्रकार का होगा, वो कैसा होगा, हेल्दी होगा। पुस्तक के बारे में भी यही होता है कि पुस्तक की प्रतिक्रिया लोगों को कैसी लगेगी, ये चीज होगी कैसी। आप और आप सही मान के चलिए कि मैं बैठा बैठा मेरे आंखों में आंसू आने लग जाते थे। मैं कहता था अब नहीं लिखा। आप इमोशनल भी हैं ना? अब नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने 3 साल से रिसर्च की, फिर अभी कुछ महीनों से आप रोजाना लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आपको अचानक ब्लैंक सा नजर आता है कि अब क्या किया जाए, अब आपका ये प्लॉट, ये कहानी कहाँ जाएगी, क्योंकि कुछ। लेकिन उस समय भी कुछ डिवाइन कुछ चीजें होती थी, मुझे पता नहीं डाउनलोड होना कहते हैं उसको या क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज आगे बढ़ती। आपने डिवाइन की चर्चा की, और चूंकि बायोग्राफी में एक व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्तित्व, तो आप जब मिलते थे तो निश्चित रूप से एक रहस्य लोग चारों तरफ अपना एक औरे की तरह रहस्य लोग घेर लेता है। तो आपको ऐसा महसूस हुआ क्योंकि ये व्यक्ति थे, एक करेक्टर थे, और एक तरह से जीवंत इनका वो सारा आप ले रहे थे, वो क्या रहस्य लोग था जब इनके व्यक्ति से आप मिल रहे थे, जो उपन्यास का मेन कैरेक्टर के रूप में? प्रमोद जी, मुझे एक बहुत जो दिल को छू जाने वाली चीज, उनसे बात करते हुए या उनके बारे में रिसर्च करते हुए, कई बार हम क्या होता है कि हम हमारे मन में धारणाएं बना लेते हैं, वो आम व्यक्ति हो, एक जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, या जो हम कई बार एक अलग कैटेगरी मानते हैं वो लोग हों, या जो जिनको हम राज परिवार कहते हैं, या जो किसी जमे में सत्ता शासन संभालने वाले परिवार होते थे, उनके बारे में हमारी धारणाएं होती है, उनका जीवन इस तरह से होता होगा, वो अपने चाल चलन में या अपने दैनिक व्यवहार में ऐसे होते होंगे। लेकिन जिस परत दर परत, जैसे जैसे लेयर आपके सामने अलग होती है, और आपको ये सुखद आश्चर्य होता है, और आपको एक सुकून मिलता है कि ये जिंदगी भी, हम जब जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी चुनौतियां हैं, उसमें भी अपनी लिमिटेशन है, उसमें भी चुनौतियों के सामने किस तरह से खड़ा रहा जाएगा, ये जज्बा कैसे आएगा, ये अपने आप को संबल ढूंढना पड़ता है उनको भी। ये सारी चीजें रेडीमेड उनकी जिंदगी में आती नहीं है जी। उनका बात अलग है कि आपको कुछ चीजें, आपको उनके जो पुरखे हैं, बड़ेरे हैं, उनके कारण उनको पहले से मिली होगी, लेकिन उनको मिलने के कारण वो चुनौतियां कम नहीं हो जाती। मेरे को इस उपन्यास का जो सबसे प्यारा फीडबैक बार बार मिलता रहता है, वो यही मिलता है कि हम इसको पढ़ते पढ़ते सोच रहे थे कि किस तरह मारवाड़ की जो ये आखिरी महारानी थी, वो हमारे परिवार में जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे घर में आप जो वैसा ही उनका पूरा ये जीवनचर्या, उनकी जीवनचर्या, उनके सुख उनके दुख लगभग वैसे ही है। अयोध्या जी, अब तक का जो आपका सफर, आपने एक ही उपन्यास में इतना बड़ा लंबा ऑरा, डिवाइन अनुभूति और रहस्य, बहुत सारी चीजें देखी, तो आपके इस लेखन पे हमारे साथ जुड़ गई हैं रोशनी जी, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या जी के बारे में? नमस्कार, मैं रोशनी राजाराम एक लेखिका हूँ।
अयोध्या प्रसाद जी से मेरी मुलाकात तकरीबन 16 वर्ष पहले एक सोशल गैदरिंग में हुई थी, जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी किताब लिखने की इच्छा जाहिर की थी। मैं तो उस सपने को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अयोध्या जी इतना सीरियसली वो सपना पूरा करेंगे। और ना कि उन्होंने सिर्फ अपना सपना पूरा किया, उन्होंने कई और लेखकों के सपने पूरे कराए, जिसमें से एक सौभाग्यशाली महिला मैं भी हूँ। सौभाग्य मिला मुझे उनके साथ अपनी पहली किताब लिखने का, और उससे मेरी भी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जितना सहज वो लिखते हैं उतने सहज वो इंसान है। और अगर एक लाइन में उनके बारे में कहना चाहूँ तो ये वो हीरा है जो दूसरे हीरो को शेप देने के लिए काम आता है। न जाने कितने लोग लेखक बन गए अयोध्या प्रसाद जी से प्रेरित होके। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू रोशनी जी, आपने इतनी ज्ञान परक और अयोध्या जी के व्यक्तित्व पर इतनी बेहतरीन बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ से जो आपने द रॉयल ब्लू के बाद निश्चित रूप से आपके अंदर एक अलग ही निश्चित रूप से आता ही है, एक अलग ट्रैक आपके अंदर प्रवेश कर गया। ये सब बातें तो हैं ही, साथ में आपके चली रही थी। उसके बाद आपने जो दूसरा प्लान किया, मैं समझता हूँ कि ये दुर्ग गाथा, इसके बारे में थोड़ा दुर्ग गाथा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे प्लॉट बना आपके दिमाग। अब आपसे कुछ मन की बात शेयर करता हूँ। जरूर। आपने जो मेरे परिचय में वैसे मुझे आपने लेखक का मुझे उपाधि दी, ये आपका स्नेह भी है और उस परिभाषा में शायद पुस्तकें लिखने के कारण मुझे रखा भी जा सकता था, लेकिन आप जैसा कहते हैं वो अचरज की बात है, वैसा कुछ मैं अंदर पा नहीं रहा था, क्योंकि रॉयल ब्लू लिखने के बाद में मेरे अंदर एक संतुष्टि थी, और संतुष्टि भी माँ चामुंडा को धन्यवाद देते हुए कि आपने एक काम कहा था मुझे, वो काम मैंने आपकी आशीर्वाद से मैंने कर लिया। रॉ मटेरियल और फर्टाइल तो होता ही है अंदर, वो निकलता बात। तो मेरे को लगा कि ये प्रसव पीड़ा मैंने करके और एक अच्छी जो कृति है उसको जन्म दे दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर होता है। तो जिस समय इसका रॉयल ब्लू का लोकार्पण हुआ, जब ये पुस्तक का विमोचन समारोह जब शुरू हुआ, तो दर्शकों के अंदर निर्मल गहलोत जी थे, तो उन्होंने वहां से एक कहा कि साहब जानता राजा जोधपुर में एक शो आया था, और हमारी उस समय ये राजस्थान पत्रिका या जो भी दूसरे पत्रकारों की तरफ से एक अनुरोध किया गया था कि भई आप ठीक है, आप शिवाजी महाराज या उनके बारे में तो महाराष्ट्र के और पूरे देश के नायक हैं, उनके जिंदगी के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन मारवाड़ के अंदर भी तो हमारे नायक बहुत हैं जिनको हम याद करते रहते हैं, तो उनके बारे में ऐसा शो क्यों नहीं बनता। तो वहां से उन्होंने मुझसे वादा लिया कि आप दुर्गादास जी के बारे में कुछ लिखेंगे, और वहां से एक शुरुआत हुई कि मैंने उनके बारे में और पढ़ना शुरू किया। जैसा आपको पता है कि हम, ये भी एक उपन्यास है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक लाइट एंड साउंड शो जो लिखते हैं, तो एक नाटक की स्क्रिप्ट के रूप में हमने लिखा। इसमें वो सारी विधाएं, इसके एलिमेंट हमारे लिए वो ऑब्वियसली ये थे कि एक रंगमंचीय जो एलिमेंट्स होते हैं, आपने उसको लाइट एंड साउंड शो को ध्यान में, मैंने उसमें उस भव्यता को ध्यान में रखा, क्योंकि आपका अभिनेता भी अंदर आ गया। ये चीज आपने सही कही कि यहाँ पर मेरा जो रंगमंच पे अभिनय करना और वो अनुभव इस लेखन के अंदर बहुत काम, क्योंकि मुझे पता था कि आपको बताया गया स्टेज पे ये होना। हाँ, एक निर्देशक के पास में क्या क्या टूल उपलब्ध होते हैं, वो किस तरीके से इसको एक भव्यता दे सकता है, वो चीज हमने फिर इसके अंदर लेने की कोशिश की। गॉड साहब, एक चीज जो है, अक्सर जो वीर दुर्गादास की एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में या जहां जहां दुर्गादास के भक्त हैं, वो एक स्वामी भक्ति की इमेज है। मैं व्यक्तिगत रूप से पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है, और इनके अंदर कूट कूट के एक जो मानवीयता होती है वो भरी हुई है। स्वामी भक्ति तो उसके बाद ही आता है, लेकिन अक्सर इनको देखा उसी दृष्टि से गए, तो आपने इनको किस दृष्टि से देखा वीर दुर्गादास? हाँ, दुर्गादास जी के बारे में जब भी मेरा इस लेखन दुर्ग गाथा का जब हम करते हैं, मैं इसको दो हिस्सों में देखता हूँ। पहला तो वो जब हमने इस पुस्तक को लिखा, और फिर दूसरा वो जब हमने ये तय किया कि अब इस लाइट एंड साउंड शो जो दुर्ग गाथा है उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक पर ही वो आधारित था। तो इस पूरे जो
इस अवधि के दौरान बार बार मुझे एक चीज, तो ये मेरे मन की चीज है कि ये एक अगेन ये कोई एक ऐसी आत्मा है जिनको हम भूतात्मा बोलते हैं ना, जिनका अभी भी आपको आपके आसपास आप उनको फील, उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, उसको सभा मंडल को। और केवल स्वामी भक्त वाला जो टैग हमारे यहाँ पर कई बार लग जाता है, और या हो सकता है वो प्रचारित ज्यादा हुआ हो, मिसाल में ये आते हैं वो आ जाता है। लेकिन आपकी बात में एक चीज और ऐड करूंगा कि एक तो आपने सही कहा कि एक के बाद एक कई उदाहरण उनकी जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जहां पर उन्होंने न केवल दुश्मन जो जिसको वो दुश्मन मानते थे उस उनके लोगों को भी एक जो होता ना अपने उसूल जो होते हैं उसूल उनको उससे अडिग नहीं हुए केवल इस बात के लिए कि हाँ किसी को मजा चखाना है किसी को सबक सिखाना है वो उनका वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब बात आती है कि मारवाड़ की भलाई के लिए उनको जहां जहां पर अगर समझौते उसको मैं समझौता भी नहीं कहूंगा रणनीतिक जो गठबंधन जो होते हैं उस जमाने के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ जो हम जनरली मानते हैं कि एक राइवलरी रहती है उनको भी एक साथ लेकर आ जाना उनसे ये चीज करना कि वो यहाँ पर अजीत सिंह जी हैं उनको वो संरक्षण देंगे ये एक बड़ी बात थी। मराठाओं तक पहुंच के चले जाना वहां से एक सपोर्ट सिस्टम को जनरेट कर लेना मुझे लगता है कि जब हम चाणक्य की बात करते हैं चाणक्य का एक था कि वो एक किंग मेकर की तरह थे और उन्होंने चीजों को एक के बाद एक उस तरीके से किया और जो तो कूटनीति के मामले में भी दुर्गादास को मैं बहुत बहुत आगे वो कोई मुकाबला नहीं है। अयोध्या प्रसाद जी आपने दुर्ग गाथा लिखा और उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित हैं स्वाति व्यास जी। स्वाति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहें हरफन मौला अयोध्या प्रसाद जी हमारे साथ है क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में। अयोध्या प्रसाद गौड़ जी क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत ही मोटिवेट करने वाले व्यक्तित्व हैं वो, बहुत ही वर्सटाइल व्यक्तित्व रहा है उनका। जहाँ तक उनके लेखन का सवाल है तो वो बहुत ही सहज है, सीधे पाठकों तक पहुँचता है। मैंने जो उनकी पहली पुस्तक पढ़ी वो थी दुर्ग गाथा, इतिहास पर लिखी हुई एक ऐसी किताब जिसने खुद इतिहास रच दिया। इतने ब्यूटीफुल विजुअल्स थे कि जब लाइट एंड साउंड शो में उसका मंचन किया गया तो पूरा जोधपुर उसे देखने के लिए उमड़ा। रॉयल ब्रू ले लीजिए या चौथा धंधा ले लीजिए, अयोध्या जी थिएटर से भी सतत जुड़े हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जर्वेशन जिंदगी को लेके बहुत ही शार्प है और वही चीज़ उनके लेखन में भी दिखती है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि भविष्य में वो इसी तरह से ब्यूटीफुल बुक्स हम तक पहुँचाते रहेंगे। उन्हें भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे तो मेरी जो सृजन यात्राएं हैं वो छुपी हुई नहीं है। थैंक यू सो मच। आपका जो अनुभव है ये लेखक के साथ साथ वो सारा अनुभव बोल रहा है क्योंकि आपने एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में काम किया, अभिनेता के रूप में काम किया, तो ये तो आ चुका है। लेकिन चूंकि आपने पत्रकारिता में काम किया और ये मुझे जो चौथा स्तंभ है उसका जो आपने शीर्षक दिया है वो भी बड़ा प्यारा है, चौथा धंधा, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि इसमें लिखा है किससे जर्नलिज्म के ये किससे क्या सच्ची घटनाओं पर आधारित है या इसमें कुछ इमेज है, कल्पना है या कुछ पुट है। वो कहते हैं ना कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो आप अब लेखन में भी जब मेरे दिमाग में कुछ प्लॉट्स आते हैं या कुछ मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ नया लिखना है, कुछ मैंने लिखने और शुरू किए हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने शुरू किए हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं लेखक बनकर नहीं सोच रहा था, उस समय भी मैं एक पत्रकार बनके कि ये ऐसा कुछ हुआ था तो मैं कहीं से तथ्य जुटा लूँ। टोटल जो फैंटेसी होती है अभी मेरे उस तरफ अभी तक मेरा उधर रुझान गया नहीं है, उस विधा की तरफ मैं जाने की अभी मेरी कोशिश नहीं हुई है क्योंकि वो मेरे लिए हो सकता है असहज। तो जब दुर्ग गाथा मुझे लगा कि काफी इसका प्यार मिला है, उसका जो मंचन हुआ उसको भी बड़ा ठीक मिला है, मैं कभी बैठे बैठे जैसा आपने कहा मैं अपने पत्रकारिता जीवन को याद करता था और कई बार ऐसे किस्से आपस में जब बैठते थे तो लोग कई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मेरे मित्र है वो कई बार कहते थे कि आप जर्नलिस्ट थे उस समय के कुछ किस्से सुनाओ, तो मैं खुश होकर सुनाना शुरू करता था और उनका रिएक्शन अच्छा आता था, अगर ऐसा भी होता है आत्मा के कोने में बसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये यूनिवर्स अलग तरह का है, एक पत्रकार की जिंदगी आम जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है, और अगर साधारण बात करेंगे तो हो सकता है उतनी रुचिकर ना हो,
तो हमें कुछ कुछ उन किस्सों को लेना था जहां पर हम उन किस्सों को शॉकिंग कह सकें कि उन चीजों को पढ़कर किसी को या तो खुशी मिले या झटका लगे या मन में पीड़ा हो, ऐसी चीजें ही कहानी का रूप लेती है। मतलब कौवा प्यासा था और कौवे को पानी मिल गया तो फिर कहानी नहीं है, वो कहानी वो कहानी नहीं है। कुछ सामान्य से हटकर जो चीजें हुई थी, कुछ टच करे, दस्तक दे दिल पे। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बाड़मेर में एक कार्यक्रम था, शंकरलाल जी गोली हैं उनकी पुस्तक का एक विमोचन था और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं बीबीसी में नारायण बारेठ जी वो वहां आए हुए थे और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस तरह से की कि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा करते थे लेकिन इन दिनों वो चौथा धंधा बनकर रह गया। तो मैंने कार्यक्रम खत्म होते ही मैंने नारायण जी से कहा कि मैं आपके इस भाषण में से ये शब्द चुरा रहा हूँ, चौथा धंधा। तो ये तो तय हो गया कि मुझे कुछ वो कहानियां लिखनी है जहां पर पत्रकार कोई पत्रकारिता के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसूल हैं, उनसे दाएं बाएं हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसे खबर चाहिए थी। पत्रकार का मुख्य उद्देश्य है कि उसको खबर चाहिए, तो खबर लेने के लिए वो अगर अपने उसने कुछ समझौता किया हो तो मुझे वो कहानियां जुटानी थी। मैंने एक एक करके लिस्ट बनानी शुरू की लेकिन एक चीज मेरे को याद आई कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले मैं ये ध्यान रखूं कि तीन उंगलियां मेरी तरफ है। तो मैंने फिर उन तीन उंगलियां वाला काम किया। मैंने इसमें ज्यादातर किस्से वो हैं जिसमें मैं खुद या तो मुझे लगा ये कन्फेशन बॉक्स की तरह, जब आप कोई चीज कर निकलते हैं और कुछ साल बाद में अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सही नहीं किया था। तो उनको मैंने कैरेक्टर के नाम बदल रहे हैं, उनको कहानियों का रूप दिया। इसी तरह इतनी 10-20 कहानियां का ये एक संग्रह है, सटायर है इसमें काफी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संगीता जी शर्मा और उनके साथ आपका काफी आपने पत्रकारिता कर्म किया है। संगीता जी आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ ही अयोध्या प्रसाद जी गौड़ हमारे साथ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अयोध्या प्रसाद जी सकारात्मक सोच वाले और शानदार व्यक्तित्व वाली शख्सियत हैं। हमने 4 साल साथ में काम किया, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने बहुत ही चर्चित और बेहतरीन स्टोरीज कवर की। अयोध्या जी अब इंटरनेशनल कंपनी केयर में ऊंचे पद पर आसीन है। कॉरपोरेट कल्चर और व्यस्तता के बावजूद अयोध्या जी में कोई भी बदलाव नहीं आया। वे रिश्ते निभाना जानते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही आप तो व्यक्तित्व में प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी जो कई कहानियां हैं उसमें इन्होंने उस चीज को देखा भी है, विटनेस भी रही, उसमें पार्टिसिपेट भी किया। थैंक यू सो मच। अभी आप लेखन की दिशा में क्या काम कर रहे हैं, नया क्या प्रोजेक्ट आपके दिमाग में? ये आपने बड़ा क्या था ना कि वो ट्रेड सीक्रेट टाइप का आपने मेरे से बात पूछ ली, लेकिन मैं पूरा सीक्रेट नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ एक काम जो आपका होमवर्क चल रहा है। मेरा 2-3 जो कहते हैं ना धाराएं दिमाग में बह रही है जिनके ऊपर मैं रिसर्च मेरा चल रहा है। एक पीरियड जो है जो मुझे बड़ा लुभाता है वही ये समय वो था जबकि भारत के अंदर सोशियो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं वो एकदम से पीक पे थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1920-25 के बाद में, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये चीजें आनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस अपने आरंभिक दौर से मैच्योरिटी की तरफ आते हुए और कुछ अलग चीजें बन रही थी। चारों तरफ जो चीजें सामने दिख रही थी उससे बहुत ज्यादा चीजें पर्दे के पीछे हो रही थी। मैं एक जिस अभी कहानी पर काम कर रहा हूं उसका कैनवास मारवाड़ है। जो समय जो अगर अपन देखें तो वही 1940 से या उपन्यास नहीं, मैं मेरा कोशिश उपन्यास की रहेगी कि ये एक हिस्टोरिकल उपन्यास रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ चौंकाने वाली चीजें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हम या तो गलत सुनते रहे हैं जिनके बारे में अभी हमें अभी तक भी आपने चौंकाने वाले ही काम किए। हाँ, तो मुझे मेरे खुद के लिए कुछ चीजें बड़ी नई थी। मैं अपने आप को पत्रकार होने के नाते मुझे लगता था कि मैं मारवाड़ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है, लेकिन जैसे जैसे मैं रिसर्च करता जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस तरह की चीजें करने से पहले उनको अलग अलग रिसोर्सेज से क्रॉस चेक करना थोड़ा जरूरी होता है। लेकिन फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि एक ड्राई सी कोई जो आप कहते हैं ना कि नॉन फिक्शन टाइप की चीज बने, तो मैं उसके अंदर कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको एक फिक्शनलाइज फॉर्मेट में उपन्यास के तरीके से, ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में मैं लेके आऊंगा। व्यक्ति अयोध्या प्रसाद गौड़ अपने से
रोज मिलते ही हैं, क्योंकि जो आप भावुक हैं, जो आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा है, तो क्या आप किस तरफ कई बार देखते हैं अपने आप को, पत्रकार या अभिनेता? मेरे ख्याल से अभिनेता का भी आपके अंदर एक ललक जागती होगी कि फिर उसे अभिनय किया जाए। आपने बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की तरफ मोड़ दी बातचीत। अरविंद भट्ट जी जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी है, वो कई बार मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई साहब मतलब ठीक है हम एक्टिंग करते हैं, हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो फिर मतलब बाकी नाटक करने के अलावा भी तो काम आता होगा। तो मेरे को बोलते थे अयोध्या देख हमारा, मैं वैसे तो मैं होटल चलाता हूँ, तो मैं मतलब होता है ना कि बिजनेस करता हूँ तो वहां पर मेरी एक्टिंग चलती रहती है, लेकिन एक्टिंग में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ, बिजनेस के तरीके से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर अयोध्या प्रसाद, मैं खुद से, आप सही कह रहे हैं, वैसे तो हम जब तक हम मतलब कहते हैं ना आगे की यात्रा शुरू करेंगे तब तक अंदर की खोज चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। जिस दिन खोज हो गई तब तो आप और मैं यहाँ बैठ कर बात नहीं कर रहे होंगे। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, मतलब जिज्ञासु होने में वो सारी चीजें जनरली आ जाती है। मैं जिस कॉरपोरेट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक ये ऑयल एंड गैस बिजनेस है, लेकिन वहां पर भी मेरी जिज्ञासाओं का अंत नहीं होता है। वहां मुझे 2005 से लेके अब तक मतलब काफी साल हो चुके हैं कि मैं वहां पर जुड़ा हुआ हूँ इनसे, लेकिन वहां पर भी मेरे अंदर एक नए व्यक्ति की सारी जिज्ञासाएं अभी भी मौजूद है। मेरे मन में सवाल उठते हैं, मैं उन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करता हूँ, और जवाब पाते पाते कभी रंगकर्म हो जाता है और कभी लेखन हो जाता है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल तो आपने जवाब पहले ही दे दिया कि ये जो आपका जॉब है एक बहुत जिम्मेदारी वाला जॉब है, और अभी तो आपके पास एक स्टेट के साथ साथ कई स्टेट भी हैं, एक जीएम का, उसके साथ साथ चूँकि जितने भी बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम करते हैं तो उनके पास समय तो 24 आवर्स ही होता है, फिर भी आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने लिए और कंपनी के लिए तो करना ही है आपको, कैसे अपने आप को किस कितने सेगमेंट पे बांटते हैं? पर नहीं, मैं आपके और मेरे शरीर से सीखता हूँ। जैसे हमारी बॉडी है वो सांस भी ले रही है, खून भी साफ कर रही है, चल भी रही है, सुन भी रही है, सुन भी रही है, क्या साइंटिफिक जवाब देख भी रही है। तो मैं कई बार सोचता था कि मैं अगर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या अपनी कंपनी के लिए अगर जो आपने कहा जनरल मैनेजर वाला पद संभाल रहा हूँ, तो क्या ये इतना वन साइडेड हो जाएगा कि मैं एक्टिंग करना बंद कर दूँ? हालांकि मैं कर चुका था, आपका कहना सही है कि बीच में 14-15 साल तक, लेकिन ये आई आई एम अहमदाबाद जो क्या जो हमारे प्रोफेसर साहब है उन्होंने जो झटका दिया, उन्होंने यही कहा कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपने शौक अपनी रुचियां उनको दबाए हुए निकाल देते हैं, फिर जब अंत समय पास आता है तो हम पछताते हैं कि यार क्योंकि हम नौकरी में ज्यादा व्यस्त रहे, क्योंकि हमने सिर्फ परिवार का ध्यान दिया, खुद को हम इग्नोर करते रहे, वो एक पछतावा रहता है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं सांस भी ले रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, खून भी साफ हो रहा है, तो ये तय है कि मेरा शरीर मुझे एक संकेत दे रहा है कि भैया तुम खूब सारे काम एक साथ कर सकते हो। और ये आप मान के चलिए कि ये बहाना है केवल। मेरा बहुत छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लेखन का। मैंने टारगेट रख रखा है एक पेज रोजाना। अब कितना सिंपल टारगेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना छोटा टारगेट है कि अगर मैं सप्ताह भर तक या मैं ऐसा नहीं कि मैं उस टारगेट को फॉलो करता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि महीने भर बाद में मेरे दिमाग में लगता है यार 30 पेज मेरे अभी पेंडिंग पड़े, क्योंकि मैंने एक पेज रोजाना का कुछ भी दे देते हो। और उसमें मैं क्वालिटी के ऊपर मैं नहीं फोकस करता, क्वालिटी आएगी, पॉलिश होता रहेगा, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी जरूरी है, वो अनुशासन जरूरी है कि आप उस चीज को अपनी आदत में डाल चुके हैं। फिर चीजें, एक चीज और है कि मतलब लोड नहीं लेना टाइप अपने मारवाड़ में तो जो छो का मंत्र मिला हुआ मेडिटेशन, क्या जहां कुछ गड़बड़ होती है फिर कहते हैं वो चीज प्रभावित होता है, छो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो अपन आधा क्रेडिट तो मैं मेरे जोधपुरी होने को देता हूँ कि ये चीज हम संभाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी संस्कृति, अपने व्यक्ति, अपने आसपास परिवेश सब याद है और हर दिन याद रहते हैं। तो कभी कभी आपके सबसे ज्यादा करीब कौन है, आपके साथ इतनी चीजें जुड़ गई हैं, है ना? तो जब आप अकेले होते हैं तो आपके करीब आपका अभिनेता है, आपका लेखक है, या आपका पत्रकार है, या आपका व्यक्ति है, आपके इमोशन है, बहुत सारी चीजें घेरती होंगी। मेरे अभी की स्थिति में हो सकता है आज से साल भर बाद में कोई इंटरव्यू देख रहा और मेरे को समय लगे, लेकिन अभी मैं अपने आप को लेखन के बहुत ज्यादा करीब पाता हूँ। कारण क्या है कि सुबह जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ या नहा रहा होता हूँ तो प्लॉट मेरे दिमाग में आते हैं कि मैं ये चीज वहां अटकी हुई है, ये चीज वहां अटकी हुई है,
और ये चीजें चलती रहती है मेरे दिमाग में, कंपनी की चीजें आती है जाती है, चीजें मेरे दिमाग में कई बार होता है ऑटो मोड पे चलती है, वो भी चलता है। रंगमंच में मैं अभी क्योंकि पिछले साल उससे पहले साल भी किया था और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो मेरे जीवन को बदलने वाली एक विधा रही है जिसने मुझे पूरा 180 डिग्री मुझे बदला है जी, तो वो एक ग्रेटिट्यूड है और मैं रंगमंच पे सुकून पाता हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन जो आपने कहा कि अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मेरे को सोचना हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता रहूँ, किताबें छपे नहीं छपे ये बात की बात है, लेकिन मैं लेखन चलता रहे ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ मतलब है। लेखन को आप नहीं छोड़ेंगे इसको, मैं चाहता ही भी नहीं है और क्योंकि आपने जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है जी, सफलतापूर्वक लिखा है। अयोध्या जी एक और आपके मित्र हमसे जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या जी के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम अवस्थी है और मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। साहित्य के क्षेत्र से मैं गीत गजल छंदों के माध्यम से जुड़ी हूँ। आप मेरे हाथ में जो यह पुस्तक देख रहे हैं ये है द रॉयल ब्लू। जोधपुर जैसी समृद्ध रियासत की एक विशिष्ट महारानी श्रीमती गायत्री जी की जीवन गाथा। इस उपन्यास के लेखक अयोध्या प्रसाद गौड़ भले ही इसे महारानी की ही जीवन गाथा कहते हों, लेकिन मेरी दृष्टि में यह उससे कहीं अधिक है। यह पुस्तक राजस्थानी रजवाड़ों, तत्कालीन शासकों, पति पत्नी के सामंजस्य और प्रेम आदर से भरे रिश्ते और उस समय की परिस्थितियों का सजीव चित्रण है। इसका कथानक बेहद प्रभावशाली है और तत्कालीन रियासतों का एक दर्पण है। इस पुस्तक की भाषा शैली है वह बहुत सहज और सरल है। इसको पढ़कर यह कहा जा सकता है कि लेखक को शब्दों को बरतने का सलीका बखूबी आता है। इस पुस्तक में जहां बाल सुलभ चेष्टाएं हैं वहां यौवन का उत्स भी है। एक शासक की ऊहापोह भी है और एक स्त्री मन की उधेड़बुन भी है। जहां जहां स्त्री के मन का वर्णन हुआ है वहां वहां लेखक एक प्रखर स्त्री बना व्यक्तित्व का धनी लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री मन को पढ़ सकता है वही उसका बहुत अच्छे से वर्णन भी कर सकता है। आप जब इस पुस्तक में रियासतों के विलय के बारे में पढ़ते हैं तो तथ्यात्मक जानकारी आपको गौरवान्वित कर देती है। इस पुस्तक में वर्णित महारानी के जीवन के उतार चढ़ाव की गाथा इतनी रुचकर है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इस पुस्तक को उठाकर रखने का मन ही नहीं करता। 11 अंशों में बटा है उपन्यास, उपन्यास के क्षेत्र के ही समस्त तथ्यों को समेटे हुए है, समस्त रसों को समेटे हुए है और यह अपनी सारी शर्तों को पूरा करते हुए कथा की नायिका को उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार पद दिलवाने में सक्षम है। मैं इस शानदार उपन्यास के लिए इसके लेखक श्रीमान अयोध्या प्रसाद गौड़ जी और इसके प्रकाशक nationalpress.com को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे यह विश्वास है कि भविष्य में इस तरह के तथ्यात्मक उपन्यास यदि छपते रहे तो हम साहित्य को बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी मंजिल क्या है, क्योंकि लाइफ तो आपकी अब एक तरह से आपने, ये अलग बात है कि मैकेनाइज्ड लाइफ को भी आपने उसके अंदर बहुत सारी तत्व एलिमेंट्स डाल दिए हैं जो उसको वैसे नहीं, वो उनका लिक्विड फॉर्म में भी एक तल छट में वो जाती रहती हैं चीज़ें। ये बहुत बड़ा आपके व्यक्तित्व में खासियत हमें लगी। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि मैंने अब तक ये काम नहीं किया और ये तो मुझे करना ही करना है, तो ऐसा क्या आपका एक, आपने ये एक तरह से मेरा विज्ञापन भी हो रहा है ताकि किसी को अगर लगे कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। मैं जो पिछले कुछ सालों से जिस चीज़ को मैं थोड़ा कम कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता, उतने अवसर कोविड के कारण भी या कुछ चीज़ों से, मैं हमेशा जैसे मैं आपसे मिला हूँ तो मेरे लिए प्रमोद सिंघल जी एक पुस्तक के समान है जिनको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ मैं रंगकर्मी हूँ इसलिए भी आई क्योंकि रंगमंच में आपको पता है कि हमें लोगों को पढ़ना सिखाया जाता है, उनका मैं साथ काम करने का सौभाग्य भी मिला है। जी जी जी। तो वो नाटक जब हम आकाशवाणी में हम किया करते थे तो हमें कहा करते थे कि यार याद करो ऐसा कैरेक्टर तुमने कभी देखा होगा, तो वो कब होगा जब आप अपनी आपकी जो मेंटल लाइब्रेरी है उसको एनरिच करते रहेंगे, जिन जिन लोगों से मिलेंगे, पर काया में उतार पाएंगे, पर हाँ पर काया प्रवेश आप तभी कर पाएंगे। तो वो मेरा एक पहला ये एक शौक है, लेकिन उस शौक को पूरा करने का तरीका मेरा ये रहता था कि मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट
इसमें छोटे बच्चे हों, मतलब स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, इनके बीच में जाके मैं छोटे छोटे सेशन लिया करता था। तो मेरा जो एक होता है ना कि लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव, लेखन एक जुड़ाव का नो डाउट एक अच्छा तरीका है, रंगमंच भी तरीका है, लेकिन ये वो सतत वाला नहीं है कि जहाँ आप बोल रहे हो और तुरंत पीछे से कोई बोल सके। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये एक चीज में मैं और बढ़ोतरी करूँ, जहाँ पर मैं किसी भी तरीके से अपने जो अब जैसा आपने कहा कि आजकल एक तरीका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी होता है, लेकिन मैं ये जो एक आपका मोटिवेशनल स्पीकर वाली चीज हुई या जो अपनी मैंने खूब सारा रिसर्च किया उसमें से कुछ पन्ने तो मेरे अगली किताब के रूप में आएंगे, लेकिन खूब सारी चीजें ऐसी होती है जो कि उस रिसर्च के बुक में रह जाती है, उनको मैं अपने संवाद के जरिए लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, ये मेरी इच्छा रहेगी। अयोध्या प्रसाद जी गॉड, जो आपके व्यक्तित्व में इतनी सारी चीजें हैं, लेखक के रूप में भी आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं, शिद्दत के साथ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपने एक्टिविटीज की और इस पद पर रहते हुए ये सब है, तो उन लोगों को जो अभी इस फील्ड में आए नहीं है या संघर्ष कर रहे हैं या अपना कैरियर बना रहे हैं, उनके लिए आप क्या, मैं टिप्स एग्जैक्ट शब्द नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ उनको आप बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। मुझे एक चीज तो प्रमोद जी मुझे लगभग तय लगती है कि हम सब कहानीकार हैं। अब एक छोटा बच्चा जिसको आप अगर कभी कहते थे दुकटे गयो रे, तो वो आपको बड़े तरीके से कहानी सुनाएगा, देखो ये हुआ क्या था, फिर ये हुआ था। तो कहानीकार हम बचपन से नोइंगली अननोइंगली सुबह से लेके शाम तक, आप भी कई बार घर पे लेट हो जाते होंगे तो कहानी बनाते होंगे रस्ते में भूलने में जाते। आप और हम सब डांट पड़वाओगे आज। आप और हम सब कहानीकार तो हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप मेरा कॉम्प्लीमेंट ले लें जो भी देख रहे हैं कि आप सब और हम सब एक कहानीकार हैं। अब बात आती है कि उसको किसी मीडिया में, किसी जगह पर उतारा कैसे जाए, कागज पर कैसे उतारा जाए, लोगों के सामने कैसे लाया जाए। तो अभी हमारे सामने, हम फिर बहुत भाग्यशाली हैं कि हम डिजिटल मीडिया के या सोशल मीडिया के युग में जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी स्टेज बहुत बढ़ गए। आप फेसबुक, आप यूट्यूब, आप ट्विटर, जितनी जगह, पहले एक चिट्ठी डाल दी छप गया तो नहीं तो हौसला पस्त भी हो जाते थे। अब तो आपको किसी पर निर्भर ही नहीं रहना है, आप जिस तरीके से चाहे अपने फोटोग्राफी के जरिए या किसी तरीके से कुछ कहना चाहते हैं आप शुरू करें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 5 लाइन, अगर आज आप यहाँ बैठे हैं, आपने ये जो पीछे बैकड्रॉप इतने सुंदर लाइटिंग और आप इतना जो सुंदर बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर 10 लाइन लिखनी, ये एक सृजन हो गया। डायरी लिखना शुरू कर दें, ये एक सृजन हो गया, शुरुआती कदम हो गया। हिंदी और मारवाड़ी, ये जो भाषाएं हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये भाषाएं जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जिनको किसी जमाने में वर्नेक्युलर और अजीब अजीब से नाम दिए जाते थे, सोशल मीडिया इनका पावर दिखा चुका है और आने वाले समय में ये जो भाषाएं हैं ये बहुत अच्छे तरीके से प्रगति, अंग्रेजी का स्थान रहेगा नो डाउट, वो एक अलग तरीके से चलती रहेंगी, सारी भाषाएं अपनी बहनों की तरह साथ बढ़ेंगी, लेकिन जो पहले झिझक थी लोगों में कि हम कैसे कहें मारवाड़ी को या राजस्थानी की, जो आंचलिक आपकी उसकी बोली है, आप उसको आगे लेके आए और उसमें आपके आसपास जो दादी माँ कहानी कहती है, जो भी कहती है, उसको मंच पर ले आए, आप सृजनकर्ता बन गए। क्या बात है, आज तो आपने मतलब हमें घड़ी जरूर रोक रही है, लेकिन आपने ऐसा लग रहा है घड़ी को थाम लिया है और ऐसा लगता है घड़ी थाम लें और आपसे बातें करते ही रहे, इतना रोचक आपने कहानी और उपन्यास से भी ज़्यादा रोचक उसमें जान डाली है। तो बस आपका मैं शुक्रिया अदा करूं, उससे पहले मैं आपके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जाने कैसी उंगलियाँ हैं, जाने क्या अंदाज है, तुमने पत्तों को छुआ था, जड़ तक हिलाकर फेंक दी। जो अयोध्या प्रसाद जी गॉड का व्यक्तित्व निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, यंग पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से और हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह आप अपना प्यार मोहब्बत चैनल की तरफ भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज, आपने सही कहा कि हमें पता नहीं लगा कि समय कैसे निकल गया, और मैं आपको भी पूरी टीम को जो पर्दे के पीछे इतना मेहनत से काम कर रहे हैं और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल और इस शो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घने मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।